भागलपुर शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भागलपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा शहरी इलाकों में 3 नए टीओपी थाने की शुरुआत होगी। यह तीनों टीओपी शहर के रिहायशी इलाके में शुरू होंगे, जिसमें शहर के मुख्य बाजार स्थित सूजागंज, चंपानगर और भीकनपुर का इलाका शामिल है। इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर के 3 अलग अलग संवेदनशील जगहों पर अपराध नियंत्रण के लिए टीओपी थाने बनाए जाएंगे। पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इसकी शुरुआत की जानी है और लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण इन इलाकों का चयन किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि टीओपी निर्माण को लेकर जमीन देख ली गई है और 1 से 2 हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी, जबकि शहर में 3 टीओपी की शुरुआत होने के बाद उन इलाके के लोगों को अपनी समस्या लेकर नजदीकी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि लोग अपने नजदीकी टीओपी में जाकर भी अपनी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि तीनों टीओपी के माध्यम से इन इलाकों में पुलिस की तैनाती दुरुस्त हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भीकनपुर का पूरा इलाका टीओपी थाने के क्षेत्राधिकार में होगा, जबकि पूरा सूजागंज बाजार और चंपानगर का इलाका सूजागंज एवं चंपानगर टीओपी के क्षेत्राधिकार में होगा। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि प्रत्येक टीओपी में इंस्पेक्टर या दरोगा रैंक के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जबकि इसके अलावा 5-5 पुलिसकर्मी की भी प्रतिनियुक्ति इन तीनों टीओपी में की जाएगी। साथ ही इसके अलावा 112 इमरजेंसी पुलिस बल का भी सहयोग इन्हें मिलता रहेगा। देखिए, शहर में 3 टीओपी हैं, चंपानगर, भीखनपुर और सूजागंज। यहाँ पे हम लोग अगले 1-2 सप्ताह के भीतर बलों का पदस्थापन करके उसको चालू किया जाएगा, जिससे कि उस जहाँ पर यह टीओपी अवस्थित है उसके आसपास के इलाकों में गश्ती होगी और इसके साथ ही साथ वहाँ पर होने वाली अपराध घटनाओं पर भी हम लोग नियंत्रण पा सकेंगे। पटना हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से बिहार में जाति जनगणना की पुनः शुरुआत हो गई है, जबकि इसके साथ ही सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भी जाति जनगणना के कार्य में जुट गए हैं, जिससे सरकारी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित हो गया है। वहीं इसको लेकर भागलपुर मंसूरगंज मध्य विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक ने कहा कि जाति जनगणना के लिए सरकार का निर्देश है, जिसका पालन तो उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन बात अगर विद्यालय में पठन पाठन की हो तो इससे ऊपर प्रभाव पड़ना भी तय है। प्रचार ने कहा कि विद्यालय में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय परिसर में भी कई शिक्षक शिक्षिका जाति जनगणना का डाटा तैयार करते दिखे। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका जब दिन भर जाति जनगणना करेंगे तो बच्चे को कब और कैसे पढ़ा सकेंगे। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी पुरुष छात्रावास तक जाने वाली सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और मारवाड़ी कॉलेज के हॉस्टल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के कारण नाले का पानी छात्रों के कमरे तक पहुंच गया है, जिसको अब तक निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और जिस कमरे में गंदा पानी जमा है उस कमरे के छात्र रथ जगा करने को विवश हैं। वहीं जल जमाव के कारण छात्रों को और अधिक बारिश होने से विषैले जीव के कमरे में प्रवेश कर जाने का अब डर भी सताने लगा है। इधर इस मामले की जानकारी मिलते ही टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने मामले का जायजा लेने के लिए बुधवार को जल जमाव वाले स्थान पर पहुंचे और कुलपति ने इस समस्या का समाधान करने का छात्रों को आश्वासन दिया। वहीं पीजी पुरुष छात्रावास के कमरे में जल जमाव को लेकर जब कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो दोनों पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद कुलपति ने बताया कि सुबह के वक्त दोनों पदाधिकारी सोए हुए थे, जिसके कारण उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब वह डीएम और नगर आयुक्त से उनके कार्यालय में ही मुलाकात कर जल्द इस समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में मंगलवार को निश्चितकालीन हड़ताल के 27वें दिन आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर बिहार सरकार के विरुद्ध थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ता पूनम देवी, नीलम देवी और पूजा देवी ने बिहार सरकार से 10,000 रुपये मानदेय समेत सरकारी नौकरी का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार उन लोगों को मात्र 1,000 रुपया मानदेय
दे रही है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो सकता है। जबकि हर बच्चे की देखभाल एवं गर्भवती महिला के प्रसव के साथ उनकी देखभाल करते हुए वे सभी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था को लोगों तक पहुंचा रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में भी बिहार सरकार के निर्देश पर उन लोगों ने हर स्थिति में अपनी सेवा दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोरोना काल में दी गई सेवा का पैसा भी भुगतान नहीं किया गया, जबकि सरकार की ओर से कोई भी सरकारी सहायता मुहैया नहीं कराते हुए आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवा कर्मी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि बिहार सरकार जब तक उन सभी का मानदेय 10,000 रुपया सुनिश्चित कर उन्हें सरकारी सुविधा का लाभ देने का आदेश जारी नहीं करती है, तब तक उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता और संघ के सदस्य मौजूद रहे। युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता विपिन बिहारी यादव और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन परिसर में झंडोत्तोलन कर वृक्षारोपण भी किया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और भी मजबूती देने के संकल्प लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उनकी पार्टी ने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया है। साथ ही कहा कि उनके नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिलने पर वो सभी काफी खुश हैं और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और उनके नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मौके पर राजेश रंजन, शाहरुख खान, सुनंदा रक्षित, उषा रानी और अभिषेक चौबे समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस था, जिस पर हम लोग युवा कांग्रेस का झंडोत्तोलन किया गया, कांग्रेस भवन में वृक्षारोपण किया गया। जब भी पार्टी को किसी भी कार्यक्रम आंदोलन की जरूरत पड़ा, युवा कांग्रेस हमेशा मजबूती से लड़ने के लिए तैयार रही और आगे भी रहेंगे। युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जंगे आज़ादी, साझी शहादत, साझी विरासत, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है और आज हम अपने समस्त युवा कांग्रेस के सभी भाइयों को बधाई देते हैं उनके स्थापना दिवस के अवसर पर। और आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं विशाल जी, उनको शुभकामना है मेरा और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो पार्टी की विचारधारा को और राहुल गांधी की विचारधारा को नौजवानों को अवगत कराएंगे। भागलपुर SBI के जोनल कार्यालय के समीप पटना के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने SBI की सर्विस पर सवाल उठाया है। भागलपुर जोनल कार्यालय के समक्ष SBI प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए व्यक्ति ने कहा कि बैंक में बुजुर्ग महिला का शोषण किया जाता है, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्राचार और मेल के माध्यम से SBI के जोनल अधिकारियों को भी दे दी है, लेकिन बावजूद इसके जोनल कार्यालय की तरफ से उन्हें कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा गया, जिससे प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। आरोप लगाने वाले सीनियर सिटीजन
सज्जन ने कहा कि कार्यालय के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मी कार्य के दौरान अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी जांच जोनल कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को करनी चाहिए, जिससे कार्यशैली में सुधार हो सके। वहीं इसके विरोध में पटना से आए वृद्ध व्यक्ति भागलपुर जोनल कार्यालय के समीप आमरण अनशन पर बैठ गए और वरीय पदाधिकारियों से उनकी शिकायत को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की मांग की। पूरे बिहार में आपके भागलपुर जिले में भागलपुर जोन में जनरल कार्यालय में कोई भी आप डाक से चिट्ठी डालो, मेल से चिट्ठी डालो, ये समस्या है। ये चिट्ठी का जवाब तक देना उचित नहीं समझते। एक मेरे लगभग 1.5 साल से यहाँ चिट्ठी पड़ा हुआ है। 1.5 साल में कम से कम 6-7 चिट्ठियाँ मैंने डाली है। हाँ, जब आगे बोलता हूँ तो कौन सी चिट्ठी कब डाली है देखना पड़ेगा, वहाँ से आया कि नहीं देखना पड़ेगा, बोल के टालते रहते हैं। आपके पूरे इसमें इनके जोन में ग्राहक सेवा केंद्र में KYC के लिए 20-20 दिन तक लोगों को दौड़ना पड़ता है। लोग का खाता वहाँ खुल जाता है, उसके बाद अगर 7 दिन बाद कोई पैसा भेजे, उसके घर वाले गरीब हैं तो ये पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि KYC नहीं हुई। और ये पूरे भागलपुर जिले की, पूरे भागलपुर जोन की ये हालत है। क्या चाहते हैं आप? बस मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार हो और जो भी कर्मी हैं उनके कार्य के तरीके की जाँच हो। आज क्या कर रहे हैं? आज से मैं इसी विषय पर आमरण अनशन कर रहा हूँ, तब तक के लिए जब तक कि ये सुधार का पूर्ण रूपेण मुझे लिखित वादा और पूरी कार्रवाई का, जो दोषी है चिट्ठी नहीं देने के कार्रवाई का उस पर नहीं होती, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। मूसलाधार बारिश होने पर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्ड एवं पंचायतों में जल जमाव हो गया है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मूसलाधार बारिश होने पर सीतारामपुर गांव में जल जमाव हो गया है, जबकि अंचल कार्यालय, रेफरल अस्पताल, थाना रोड, चौक बाजार, सत्संग गली, दिलगौरी समेत विभिन्न जगहों पर जाने वाले रास्तों पर भी जल जमाव की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शाहबाद, गंगापुर, नारायणपुर, गनगनिया पंचायत के घोरघट गांव वार्ड नंबर 1 के साथ उर्दू मध्य विद्यालय घोरघट और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। वहीं इसको लेकर मोहम्मद फैयाज आलम ने बताया कि उर्दू मध्य विद्यालय में बारिश का पानी जमा होने पर जल जमाव हो गया है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, यह जो नाला बना है ना, ये नाला इतना गलत बना दिया है कि आदमी के घर में पानी घुस रहा है, आने जाने में परेशानी, सांप कीड़ा घर में घुस जाता है बारिश आता है तो। बारिश आ रहा है? हाँ। कितने दिन से बारिश पड़ रहा है? 2 दिन से ये बारिश हो रहा है। तो एक दिन ये आज के बारिश का पानी है, ये आज का रात का बारिश का पानी है। एक दिन ऐसा हुआ बारिश तो ऐसा पानी आ गया। काफी दिक्कत हो रही है आप लोग? काफी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसा आ रहा है कि घर तक में पानी घुसा हुआ है, पानी निकासी है ही नहीं है। भागलपुर स्मार्ट सिटी में हुई मूसलाधार बारिश से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का कई इलाका जलमग्न हो गया है, जिसको लेकर ABBP कार्यकर्ता पानी में ही धरने पर बैठ गए और नगर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं इसके बाद छात्र राजद और युवा राजद के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके बाद इस मुद्दे पर दोनों छात्र संगठनों के बीच जमकर बहस भी हुई। इस दौरान युवा राजद के कार्यकर्ता ने ABBP के कार्यकर्ताओं को जबरन पानी से उठाया। इधर ABBP कार्यकर्ताओं ने कहा कि बारिश के बाद तिलकामांझी विश्वविद्यालय का हॉस्टल जलमग्न है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे छात्रों को हॉस्टल खाली करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर सदर SDO धनंजय कुमार ने कहा कि बारिश के बाद सारा पानी भैरवा तालाब में जाता है, लेकिन भैरवा तालाब को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण यहां जल जमाव की स्थिति बन जाती है और इसके निदान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। जल का निकास नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय का 8 हॉस्टल डूबा हुआ है। सभी छात्रों के कमरा में पानी है, परीक्षा चल रही है, सब छात्र परेशान हैं और इस पानी के कारण त्रस्त हो गए हैं। इसमें छात्र राजद के सभी लोग जा करके विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किए कि पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। हम लोग जा करके पानी निकलवाए, फिर ये जो भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, इसका निर्माण कार्य हो जाने के कारण पूरा पानी रुक गया है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम लोग जाके कंपनी वाले को कहे कि आप पानी निकालने का तत्काल कोई सोल्यूशन कर दीजिए। अभी हम लोग वहाँ पे गए हुए थे क्योंकि भैरवा तालाब में आप लोग जान रहे हैं कि आसपास का सारा पानी उसी तालाब में आके गिरता था, जिसके कारण अभी 1-2 जगह पे जल जमाव की समस्या आई है। तो नगर आयुक्त सर की अध्यक्षता में हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे यही डिसीजन लिया गया कि आसपास जो अभी जितना पानी हम लोग भैरवा तालाब में ले सकते हैं, जिससे जो कार्य चल रहा है वो प्रभावित ना हो, उतना पानी हम लोग अभी भैरवा तालाब के अंदर ले ले रहे हैं। और साथ ही साथ 3-4 दिनों के अंदर हम लोग टेम्पररी एक पाइपलाइन बना रहे हैं ताकि वहाँ का जो भी पानी है हम लोग
इधर जो हमारा जो मंदिर एक और है भूतेश्वर भूतनाथ मंदिर, उसके तरफ भी हमारा एसटीपी प्लांट है, उससे हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं।